हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। हमारे गेम के अंदर न्यू इमोट आ चुका है जिसका नाम है नाटू नाटू इमोट। और भाई ये इमोट बहुत ही खतरनाक होने वाला है, क्योंकि ये इमोट अपने टीममेट के साथ भी कर सकते हो। साथ यार ये रुकता नहीं है जब तक आप खुद ना रोको। और भाई अपने गेम के अंदर एक बहुत ही तगड़ा एक और इवेंट आने वाला है जिसका नाम है भाई पेट हम लोगों को गोल्ड में मिलने वाला है। बहुत सारा पेट है जो मेरे पास नहीं है, तो यार जो भी आएगा मैं इसको ले लूँगा। और भाई कौन कौन सा पेट आने वाला है अगर आप ये जानना चाहते हो तो मुझे जस्ट अभी कमेंट करो न्यू वीडियो, ठीक है। तो मैं आपको शाम तक इसका मतलब कौन कौन सा पेट आने वाला है गोल्ड के अंदर वो वीडियो लेके मैं आ जाऊँगा, ठीक है। तो भाई आप कौन सा आपका फेवरेट बेस्ट पेट कौन सा है मुझे कमेंट करके बताना। भाई बैलून वाला मत बताना, ठीक है, क्योंकि बैलून वाला तो शायद गोल्ड में ना दे, क्योंकि डायमंड में है ही नहीं, तो गोल्ड में कहाँ से बैलून वाला पेट दे देगा। तो चलो वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो। चलो बिना किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं इवेंट के अंदर और आपको दिखा देते हैं जो नाटू नाटू वाला इवेंट है हम लोगों को यहाँ पे कैसा शो हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह का हम लोगों का इवेंट है, नाटू नाटू करके फेडरवेल का अंदर इसके अंदर इवेंट है। और भाई इसे हमको निकालने का बहुत ही तगड़ा सा ट्रिक बताने वाला हूँ जिसे मैं हर वीडियो बनाता हूँ, जिसका भाई मतलब एक या दो लोगों को भाई अगली बार तो मेरे घर के बगल में कई बंदे का निकल चुका था और बहुत लोगों का निकल जाता है, ठीक है। तो चलो आपको सबसे पहले दिखाते हैं कितने डायमंड में ये निकलने वाला है, मतलब डायमंड कितना लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कितना डायमंड आपका लग सकता है। तो चलो फटाफट आते हैं, यहाँ पे देख सकते हो 9 डायमंड, 19, 39, 69, 99, 149, 199 और 499, कुछ इतना डायमंड लगने वाला है, ठीक है। अगर आपका 9 में नहीं निकला तो 90 लगेगा। चलो सबको मतलब कम स्पीड में आप सबसे पहले आपको सेटिंग में आना है, क्लियर कैसे आपको इजी कर देना है, बहुत ही कम स्पीड में निकलने का चांस रहता है। और आपको सबसे नीचे आना है गोल्ड रॉयल में, गोल्ड रॉयल में आने के बाद से 10 स्पिन आपको इसके अंदर करना है, ठीक है। सिंगल का नहीं करना है, जो 10 स्पिन लिखा है उसके अंदर करना है। और जस्ट ऊपर आना है वेपन रॉयल करके लिखा है उसके अंदर आपको 10 स्पिन कर देना है, ठीक है। जैसे आप इन दोनों के अंदर 10 स्पिन कर दोगे ना तो आपका जो लक रहता है और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि लगता है उनको कि मैंने बहुत ज़्यादा डायमंड वेस्ट कर दिया है, अब रेयर आइटम देने का चांस आ चुका है। तो भाई इसका आप स्पिन करोगे तो आपको कम से कम डायमंड में भी निकल सकता है, नहीं तो आपको कुछ डायमंड ज़्यादा देना पड़ जाए। तो ये था आज का ट्रिक, वीडियो से लाइक सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तो बाय बाय।